तो उससे संयोजी यौगिकों में समायोजकता पढ़ने के बाद जो आज है उससे संयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, मतलब जो उपसह संयोजी यौगिकों को ना, यौगिकों के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था अल्फ्रेड वर्नर है, इन्होंने बताया था। ठीक है, एक्चुअल में हमने ये वाला जो टॉपिक है वो शुरुआत में पढ़ लेना था, लेकिन यहाँ पर आप थ्योरी चलती हैं, इसके बाद जैसे तुम्हारा वीवीटी आ जाएगा, उसके बाद क्रिस्टल फ्लूइड सिद्धांत आ जाएगा, इसलिए जो है इनको एक साथ पढ़ रहे हैं जो भी सिद्धांत है। जैसे ये क्या है तुम्हारा उपसह संयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, तो अल्फ्रेड वर्नर का है मतलब, ठीक है, जो मतलब सबसे पहले उपसह संयोजी यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था वो किसने किया था, अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो पैटर्न होते, एक पुराने टाइम में किस प्रकार से उपसह संयोजी यौगिकों को लिखा जाता था, और एक जो नया तरीका आया है जिसको हम मतलब जिस तरीके से हम पहचान ही रहे, तो वहां पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट होगा, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सीधे जो है लिखा रहता था कि COCl3 डॉट इस तरीके से, ठीक है, 6H2 इस तरीके से। तो यहां पर लिखना अल्फ्रेड वर्नर और 1892 में इन्होंने किया क्या था, अल्फ्रेड वर्नर 1892 में शंकर यौगिक, ठीक है, शंकर यौगिक का मतलब क्या है, उपसह संयोजी यौगिक की, शंकर यौगिकों का कोबाल्ट क्लोराइड क्या लिया, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, और साथ में क्या लिया, अमोनिया, मतलब कोबाल्ट क्लोराइड के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, अमोनिया की, कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की क्रिया से, अमोनिया की क्रिया से निर्माण और पृथक्करण किया, निर्माण और पृथक्करण किया, ठीक है। तो जब जो है जैसे मतलब अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई किसके साथ, अमोनिया NH3 किसके साथ अभिक्रिया करवाई, अमोनिया के साथ, तो कोबाल्ट क्लोराइड क्या होता है, CO Cl3, इस COCl3 की अभिक्रिया करवाई किसके संग, NH3, जो कि क्या होता है, अमोनिया। ये है तुम्हारा कोबाल्ट क्लोराइड और ये हमारा अमोनिया। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई आपस में, तो यहां पर जो है यौगिक मिले हमें, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो कि एक दूसरे के जैसे मिले हैं तो किस तरीके से मिले हैं। जैसे यहां पर जब अभिक्रिया करवाई, एक मिला COCl3 डॉट COCl3 डॉट 6NH3 COCl3 डॉट 6NH3, इसका जो कलर था वो था पीला, कैसे रंग का था, पीला, ठीक है। दूसरा जो यौगिक मिला CO इसी की अभिक्रिया से COCl3 डॉट 5NH3, ठीक है, क्या मिला, 5NH3, इसका जो कलर था वो था जामुनी, जामुनी। इसी के अभिक्रिया से एक मिला COCl3 4NH3, इसके दो रूप मिले, एक मिला सिस और एक मिला ट्रांस, ठीक है, एक क्या मिला सिस, जैसे ये सिस है, इस सिस वाले का जो कलर था वो था बैंगनी, कौन सा कलर था, बैंगनी, और जो इसकी ट्रांस फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, ट्रांस, वो कौन से कलर का था, हरे रंग का,
COCl3 4NH3 और कौन सा वाला है ये ट्रांस, जो कि कौन से रंग का था हरा। ठीक है, तो पहले मतलब इसी फॉर्म में लिखा जाता था उपसह संयोजी यौगिकों को। तो मतलब यहां पर क्या कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई NH3 के साथ, किसके साथ करवाई NH3 के साथ। इतना नोट करो जरा। इसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ, जो हमारे ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रखे हैं ये यौगिकारक हैं, देख रहा मतलब निर्माण किया और दूसरा क्या किया अलग अलग किया, उनको पृथककरण किया। जब क्या करवाया कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ। अब इसके बाद देखते हैं मतलब कईयों को ऐसा लग रहा होगा ये एक ही है, एक ही नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद क्या किया उसने कि यहां पर जो है AgNO3 की अभिक्रिया करवाई। किसकी अभिक्रिया करवाई AgNO3 की, किनके साथ इन सारे कंपाउंड के साथ। तो जो यहां पर ये बना कौन से, ये इन सब की अभिक्रिया किससे करवाई अभिक्रिया AgNO3 से कराने पर। ठीक है, देखते हैं हम अब COCl3.6NH3। ठीक, COCl3 5NH3। ठीक है, और COCl3 4NH3, COCl3 और 4NH3, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई AgNO3, AgNO3, AgOg, AgLoG, AgLoG, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर मतलब हम यहां पर देखो अभी तक जो हम थोड़ा बहुत पढ़ पाए, जैसे ये अगर टूटेगा CO3+ में और 3Cl- में, जो ये टूटेगा किस रूप में टूटेगा CO3+ में और Cl- में, कितने Cl- 3, इसको बोला जाता है संयोजकता। ठीक है, जो मतलब ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ना मैं बोलूं कि CO Cl3 है, ये जब टूटेगा तो CO3+ में और 3Cl- में, तो आयनन योग्य होता है ये। मतलब यहां पर जब अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि एजी के साथ कौन आएगा सीएल आएगा, एजी के साथ कौन आएगा सीएल, यहां से सीओ के पास कितना प्लस चार्ज है 3, सीएल के पास कितना है माइनस, एजी के साथ कौन आ रहा है 3Cl आ रहे हैं, तो एजी भी कितना लेना पड़ेगा 3। तो यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा मतलब 3AgCl निकलना चाहिए था, यहां भी क्या होना चाहिए था 3AgCl, यहां भी क्या होना चाहिए था 3AgCl, और यहां भी क्या होना चाहिए था 3AgCl। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि 3 मोल AgCl क्या होगा सब में बनना चाहिए 3 मोल AgCl। ये क्या है हम अपेक्षा कर रहे हैं जिस हिसाब से हम यहां पे देख रहे हैं इस चीज को। ठीक है, कि CO क्या हो रहा है तुम्हारा CO3+ और 3Cl- में टूट रहे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा समझ लो कि सैद्धांतिक रूप में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर किस आधार पर कि जो CO है 3+ में 3Cl- में टूटा होगा, एक Cl के लिए एक Ag आएगा, दूसरे Cl के लिए दूसरा Ag आएगा और तीसरे Cl के लिए तीसरा Ag आएगा। ठीक, ये क्या था, ये था तुम्हारा सिद्धांत के आधार पर कि ऐसा होना चाहिए, मतलब जो हमने अभी तक जो है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है उसके बेस पे। ये क्या है तुम्हारा सैद्धांतिक रूप से कि ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल लो कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, यहां पर अपेक्षा ये थी कि ये चीज निकलनी चाहिए यहां पर,
लेकिन हमारी अपेक्षाओं पर यहां पर केमिस्ट्री में पानी फेर देता है कौन? प्रैक्टिकल। जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं वहां पर पानी कौन फेर देता है? फिर प्रैक्टिकल। लेकिन जब यहां पर प्रैक्टिकल करके देखा गया, प्रायोगिक रूप से जब देखा गया, तो यहां पर 3 AGCL आया, बिल्कुल सही था। यहां पर 2 AGCL आया, यहां पर 1-1 AGCL आया। अभी क्लियर हो जाएगा। क्या बोला? जब यहां पर जैसे ये वाला मिटा लो, ऊपर वाला थोड़ा लिख लो, पहले इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो, जैसे मैं सामान्य लवण में बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, होती क्या कहानी? ये तो सिद्धांतिक रूप से था, अपेक्षा हम ये कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। कारण क्या है कि जब हम सामान्य लवण में देखते हैं तो जैसे वो प्लस और माइनस में टूटता है, तो जो धातु से जितने एनायन मतलब ऋणायन जुड़े होते हैं उसको उसकी क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता बोलते हैं उसको, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ना मेरे पास CO(CL)3 आया, अगर ये टूटेगा तो CO(3+) और 3Cl-, तो किसी धातु की जो संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहा हूं वो क्या होती है कि कितने एनायन इससे जुड़े हैं। मेरे को नहीं पता चल रहा है ना कि इस CO पे कितना चार्ज, पता है नहीं है मुझे, पता है कि इससे कितने CO जुड़े हैं, 3 CO, उस 3 पे कितना माइनस होगा? माइनस, मतलब उस पर खुद कितना रहा होगा? प्लस 3। तो ये सामान्य लवणों की बात होती है। जैसे तुम्हारा दूसरा ले लो CrCl3, CR3+ और क्या 3Cl, तो ये जो एनायन जुड़े हैं किससे? धातु परमाणु कोबाल्ट और Cr से, किससे? कोबाल्ट और Cr से। तो किसी धातु परमाणु से जुड़े ऋणायनों की संख्या जो होगी, किसकी संख्या? ऋणायन की, वो क्या कहलाएगी? इसकी संयोजकता। और कौन सी संयोजकता बोलते हैं उसको? प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। कौन सी बैलेंसी बोला जाता है? प्राथमिक। तो किसी धातु परमाणु से जुड़े ऋणायनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता, ठीक है। लेकिन वो जो एनायन है क्या होने चाहिए? आयनित भी होने चाहिए। संख्या और कौन से वाले हो तो क्या हो जाए? आयनित भी हो। तो क्या कहलाती है? 1° संयोजकता। क्या कहलाती है? 1° संयोजकता। तो मतलब यहां पर CO की संयोजकता 3 आ गई और Cl की कितनी आ गई? Cr की 3 ही आई, ठीक है। अब यहां देखना, हमने इसी बेस से देखा, ये क्या थे? हमारे सामान्य लवण की बात कर रहा हूं मैं। ये किसमें है? सामान्य लवणों में होता है ऐसे। ये इसी बेस पे, मतलब हमें अभी तक ये पता था कि इस तरीके की कहानी यहां पर होती है कि जो CO है वो 3+ और Cl किसमें टूटेगा? माइनस में। तो यहां 3 Cl थे तो यहां Ag भी कितना हो जाएगा? 3। और हम क्या सोच रहे हैं कि 3 मोल क्या बनेगा? AgCl। क्या बनेगा? 3 मोल AgCl। लेकिन यहां पर देखो, मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से जो आयनित हो रहे हैं वो कितना Cl आयनित हो रहा है? 3 हो, ठीक है। जैसे क्या था? CO Cl3 6 NH3, CO Cl3 5 NH3, CO Cl3 4 NH3, CO Cl3 4 NH3, ठीक है। तो ये हुआ। अब मतलब हम यहां पर जैसे सामान्य लवण में होता है कि जितना धातु परमाणु से क्या जुड़ा होता है? एनायन, उसी को क्या बोला जाता है? प्राथमिक संयोजकता। तो यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से कितना Cl माइनस जाएगा? 3। यहां से कितना जाएगा? 3 Cl-, यहां से भी 3 Cl-, और यहां से भी 3 Cl-, क्योंकि CO से कितना Cl जुड़ा है? 3 जुड़ा है। और आगे जब हम इनकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे? AgNO3 से। इससे अभिक्रिया करवा रहे हैं AgNO3
NO3 से, AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस AgNO3। तो इस केस में तो 3AgCl निकला, मतलब 3Cl के पास क्या आया, 3Ag, क्या निकला यहां से, 3AgCl। लेकिन जैसे ही यहां पर आए, यहां पर 2AgCl निकला और यहां पर क्या हुआ, 1 mole AgCl, और यहां पर भी क्या, 1 mole AgCl। अब खुद बताओ, यहां से तो ये 3Cl हटा था, मतलब 2Cl क्या बच गया, वही बच गया। जैसे यहां से 3Cl हटा है, इधर Cl कितना आया, 1, यहां 2Cl क्या हो गया, वही बच गया। यहां पे 1Cl क्या हो गया, वही बच गया, 2Cl कहां गया, मतलब यहां पर 2AgNO3, यहां पर 1 और 1। ये कहां से निकला, ये प्रयोग से निकला, जब प्रैक्टिकल करके देखा था, ये प्रयोग से, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हम सोच रहे थे, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता बोल रहा हूं मैं, ये क्या आया, 3Cl-Cl-Cl, क्योंकि धातु परमाणु से कितने Cl जुड़े, 3 एनआईन, बाकी NH3 क्या होता है, उदासीन होता है, NH3 से तो मतलब भी नहीं है। जो भी मतलब इसकी संयोजकता होगी, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसके कारण होगी, Cl के कारण, किसके कारण होगी, Cl। तो यहां से जब देखा गया कि यहां पर तो मतलब आगे जो है 2AgCl ही निकल रहा, 1AgCl ही निकल रहा, तो इसका यहां से जो आइडिया लगाया गया कि यहां से आइडिया लगाया गया कि यहां पर जो है, जो तुम्हारा धातु परमाणु होता है उसके पास एक प्रकार की संयोजकता नहीं होती है, यहां पर दो प्रकार की संयोजकता होती है। ऐसी क्या कहानी है यहां पर कि 3Cl लिया तो ये 3Ag के साथ 3AgCl जाना चाहिए था, लेकिन यहां क्या बना, 2AgCl, मतलब 2Cl गए और 1Cl क्या बच गया, वही बच गया। तो मतलब यहां पर उपसह संयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है, दो प्रकार की, एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता। सुन रहे हो, कहां से आइडिया लगा, यहां से लगा कि जब देखा गया अगर 3Cl आ रहा तो वही हो गया प्राथमिक संयोजकता, CO Cl3। यहां से क्या दिखा, 1Cl गया और 2Cl क्या हो गए तुम्हारे, इधर चले गए, 1 वही बच गया। जबकि बोल कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु जो तुम्हारा धातु परमाणु है उससे जो तुम्हारे क्या जुड़े हैं, एनआईन, और वो क्या होते हैं, आयनित होते हैं और अलग भी हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक संयोजकता। अगर क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु से कोई ऋणायन जुड़ा है और वो क्या हो रहा है, अलग अलग आयनों में टूट रहा है, जैसे माइनस में टूट रहा है, और उसके बाद वो धातु परमाणु से क्या हो रहा है, अलग भी हो रहा है, जैसे इन केसों में हो रहा है कि CO से Cl3 जुड़ा था, वो अपने आयनों में टूट गया और अलग भी हो गया। तो यहां पर देखो 3Ag के साथ 3Cl गया, 3AgCl, यहां पर 2Ag के साथ क्या गया, 2Cl गया, मतलब 1Cl यहां से अलग हुआ ही नहीं, समझ रहे हो, 1Cl क्या है यहां से, वो टूटा ही नहीं, और जो टूटता नहीं वो कौन सा होगा, अंदर होगा लिगैंड के रूप में, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस केस में क्या हुआ, 1Cl चला गया और 2Cl शायद वहां पर क्या, आयनों में टूटा ही नहीं, क्योंकि आयनों में टूटता अगर वो दूसरा Cl भी, दोनों Cl, तो वो किस में चला जाता, 3AgCl आता है, जो हम उम्मीद कर रहे थे। तो यहीं से जो है अल्फ्रेड वर्नर ने आइडिया लगाया कि यहां पर क्या है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकर यौगिक है, उसके पास एक प्रकार की संयोजकता ना होकर के कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, क्योंकि अगर यहां से ये Cl निकल जाते तीनों Cl, तो इसका मतलब क्या था कि धातु आयन से जो है कितने जुड़े थे, 3Cl थे, हाँ भाई ऑब्वियसली तीनों निकल गए, जो हम कर भी रहे थे, जो हमने सामान्य लवणों को देख किया भी था, क्या 3-3-3 AgCl, 3 mole AgCl निकाल दिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो वहां पर कहीं पर जो है 3AgCl, कहीं पर 2AgCl, कहीं पर 1AgCl, कहीं पर 1AgCl, मतलब यहां से जो Cl निकल रहा है वो तीनों निकल रहे हैं, यहां पर जो Cl निकल रहे हैं वो सिर्फ कितने निकल रहे हैं, दो, एक वही है, वो आयनित नहीं हो रहा है। जो बाकी तुम्हारा क्या है इस केस में, कितना Cl आ रहा है, एक, दो Cl क्या बच गए, वही बच गए, आयनित नहीं हो रहा का मतलब वो किसका काम कर रहा होगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, जो कि क्या है, आयनों में नहीं टूट रहा है, मतलब लिगैंड का काम कर रहा होगा, यहां पे भी वही। तो यहां से क्या आइडिया निकाला गया, यहां से ये बोला गया कि जो तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है उत्सह संयोजी यौगिकों में, उसके पास दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि सामान्य लवणों की तरह जो है एक संयोजकता होगी, कौन सी,
प्राथमिक संयोजकता, जो कि क्या होता है, किसी धातु परमाणु से जुड़े क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, तो इसको इसके बाद देखो यहां पर जैसे ये इस रूप में लिखे जाते थे पहले तो, सॉरी उपसह संयोजी होगी, अब मैं इसको सही तरीके से लिखता हूं, मतलब एक्चुअल में क्या था यहां पर लिखो, देखना यहां पर एक्चुअल में क्या था, खुद ही समझ जाओगे। जैसे यहां पर देखो CO, ठीक है, NH3 और यहां 6 और इधर क्या आ जाएगा Cl, आगे Cl कितने Cl आयन है, यहां ऋणायन आगे कितना है तीन। दूसरे वाले केस को जो है, जैसे यहां पर क्या हुआ, कितना Cl निकल रहा है यहां से, सिर्फ दो निकल रहा है, मतलब यहां से कितना, ये 3 Cl माइनस निकला, यहां से 2 Cl माइनस, यहां Cl माइनस, तो यहां पर क्या हुआ कि 2 Cl तो बाहर आयन में होगा और 1 Cl क्या होगा, वो टूट नहीं रहा है, तो मतलब यहां पर क्या रहा CO NH3 5 और यहां क्या गया अंदर, 1 Cl बाहर, समझे, यहां पर क्या हुआ CO NH3 4 और यहां क्या हो गया Cl2 और Cl, ऐसे इसमें हो गया। ये अब लिखा जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा था यहां पर ना, मतलब प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता का कॉन्सेप्ट समझना टफ लग रहा था, यहां पर यौगिकों को फिर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया, ये मॉडर्न तरीका है लिखने का, ठीक है, ये पुराने टाइम में जो मैंने अभी मिटाया वो ऐसा लिखा जाता था। तो कहने का मतलब यहां पर देखो CO NH3 4 Cl2 और Cl, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, जो हमें दिख रहा था उसमें क्या दिख रहा था कि Cl3 निकालने, बस क्योंकि CO से कितने Cl जुड़े थे सब में 3 Cl, यहां पर नहीं ऐसा, तो यहां देखो आयनित कितने हो सकते हैं 3, यहां कितने हो सकते हैं 3, यहां कितने हो सकते हैं 1, यहां कितना हो सकता है 1, तो यहां से आइडिया लगाया गया, क्या बोला गया कि जो संयोजकता है केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपसह संयोजी यौगिकों में कितने प्रकार की है, दो प्रकार की संयोजकता है, कितने प्रकार की संयोजकता है, दो प्रकार की। तो जैसे यहां पर देखो संयोजकता में आएगा ये वाला जो आयनित हो रहा है, दिख रहा क्या हो रहा है आयनित, ये कौन से प्रकार की संयोजकता बोल रहा हूं मैं, प्राथमिक संयोजकता जो आयनन योग्य होती है, ये कौन सी संयोजकता आ गई 1 डिग्री संयोजकता या फिर प्राथमिक संयोजकता, और जो अंदर तुम्हारा लिगेंड की संख्या है वो किस में आ जाएगी द्वितीयक संयोजकता, ये 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 किस में आ जाएगी द्वितीयक, मतलब संयोजकता यहां पर कितने प्रकार की आ गई, दो प्रकार की। तो यहां देखो जो अंदर है ये 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 किस में आ जाएंगे, ये द्वितीयक संयोजकता में, मतलब अब यहां से कोई अगर पूछता है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, तो प्राथमिक संयोजकता जो ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हो, ये Cl क्या डिसाइड करेगा यहां पर इसके ऊपर कितना चार्ज है, अरे इसके ऊपर का जो चार्ज है इस संकर यौगिक जो तुम्हारा संकर आयन के ऊपर का चार्ज कौन डिसाइड करेगा, जो यहां पर ऋणायन है कि इसके ऊपर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3, इसका कितना होगा +2, इसका कितना होगा +1, इसका कितना होगा +1, और जो अंदर की संख्या, मतलब जो तुम्हारी प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है आयनन योग्य होती है, कारण क्या है, वो कौन से मंडल में उपस्थित है आयनन मंडल, और जो अंदर तुम्हारी जो संयोजकता कौन सी है द्वितीयक संयोजकता, वो क्या होती है जो लिगेंड वहां पर उपस्थित है, मतलब द्वितीयक संयोजकता क्या होती है आयनन योग्य नहीं होती है, कारण क्या है वो कहां अंदर है किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, वो क्या है संकर आयन के अंदर, सुन रहे हो, तो मैंने क्या बोला जो प्राथमिक संयोजकता है ऑक्सीकरण अवस्था, इस पूरे संकर आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, कौन डिसाइड करेगा Cl3 +3 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी +2, इसकी कितनी हो जाएगी +3,
तो मतलब वहां पर क्या, अब जैसे यहाँ पर ये तो किसके लिए था, सामान्य लवणों के लिए। यहाँ पर क्या बोलोगे कि इस संकर जो तुम्हारा क्या है स्क्वायर ब्रैकेट से कितने सीएल जुड़े हैं, तो जो ये भार का हिस्सा होगा ये प्राथमिक संयोजकता कहलाएगा, जो हमें किस चीज के बारे में जानकारी देता है, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। और जो अंदर का हिस्सा है जो मैंने यहाँ पर ये दिखाएंगे NH3 5 Cl 1, सब में जो द्वितीयक संयोजकता, दूसरी चीज देखो इसमें जैसे प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होगी, इसमें 3 आई, इसमें 2 आई, इसमें 1 आई, इसमें 1, लेकिन जो तुम्हारी द्वितीयक संयोजकता होगी वो फिक्स होगी, निश्चित होगी, इसमें 6, इसमें 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, मतलब जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो, एक पॉइंट नोट कर लो कि आयन अनियोग्य नहीं होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयन अनियोग्य होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनन योग्य, आयनित हो जाती है, और ये द्वितीयक संयोजकता क्या है, आयनित नहीं, ठीक है। इतने में दिक्कत, इसके बाद देखना जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसको डैश 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 लाइन से दिखाया जाता है, प्राथमिक संयोजकता को किससे दिखाते हैं, डैश डैश लाइन से, किससे शो करना है, डैश डैश लाइन से। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको किससे दर्शाना है, पूरी लाइन से। अब देखो यहां पर जैसे जो है अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं इनके, मतलब संरचनाएं बनाते हैं इनकी, जैसे मेरे पास पहला था CO NH3 6 और Cl3, ये Cl3 क्या है, इसकी 1 डिग्री संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, ये NH3 क्या है यहां पर, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, द्वितीयक संयोजकता। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो संरचना कैसे होगी इसकी, अरे कैसी होगी संरचना, अष्टफल की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सीओ कहां आ जाएगा, बीच में, हो गया इतना, सीओ कहां आ जाएगा, बीच में, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3 और NH3, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये Cl, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +3, मतलब इस +3 को कौन बैलेंस कर रहा है, Cl, कौन बैलेंस कर रहा है, Cl, ये दूसरे का बन गया, ठीक है, दूसरे का बन गया, ऐसे तीसरा वाला बना दोगे, Cl कहां आ जाएगा, एक और आ जाएगा, वहां पे सिस्ट्रांस बन सकता है, ठीक है, जब इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, जब इस डायरेक्शन में वो क्या हो गया, ट्रांस, लास्ट वाला खुद बनाओ। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वर्नर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, जो उपसह संयोजी यौगिक होता है उस उपसह संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसके पास कितने प्रकार की संयोजकताएं होंगी, 2 प्रकार की, एक होगी प्राथमिक संयोजकता जिसको डैश डैश लाइन से दिखा रहे हैं, एक क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता। तो यहां पर देखो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, जो तुम्हारा धातु आयन होता है, धातु परमाणु, वो क्या होता है, धनावेश, वो अपने धनावेश को संतुलित करने के लिए किससे जुड़ता है, ऋणावेश से, ठीक है। तो
प्राथमिक संयोजकता में क्या बोला था, धातु आयन होता है धातु आयन धनावेशित होता है। अब धनावेशित होगा तो ये क्या करेगा, प्राथमिक संयोजकता में किससे जुड़ेगा, ऋण आयन से होता है, जिससे यह प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, आयनित होती है, सामान्य रूप से आयनन योग्य, आयनन योग्य होती है। और यह क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, यह क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके बाद द्वितीयक संयोजकता जो है, ठीक है, तो अगर मैं सवाल पूछूं कि जो द्वितीयक संयोजकता है उसमें कौन होता है, ऋणायन होता है, धनायन होता है, उदासीन होता है, उदासीन और ऋणायन, लीगेंड कौन सा है, NH3 क्या था, उदासीन, Cl क्या था, ऋणायन। तो द्वितीयक संयोजकता में क्या आएगा, जो यह संयोजकता होती है प्राय, यह संयोजकता सामान्य रूप से उदासीन या फिर ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, उदासीन अणुओं या फिर ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, किसके द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायन द्वारा। दूसरी चीज क्या थी कि किसी भी धातु के लिए इसका मान क्या होगा, निश्चित होगा, मतलब चारों केस में सीओ के पास कितने लिगेंड आए, 6, यह निश्चित होती है, ठीक है, इसका मान किसी भी धातु के लिए क्या होता है, निश्चित होता है। और यह क्या होती है, आयनन योग्य नहीं होती है, यह आयनन योग्य नहीं होती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होता है, उपसह संयोजन संख्या समन्वय संख्या होती है, ये क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, और इस उपसह संयोजन संख्या की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, ज्यामिति का पता कर सकते हैं कि अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है कि वर्ग समतल है, ठीक है, क्या पता कर सकते हैं, ज्यामिति। ठीक है, अब यहां पर देखना मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी द्वितीयक संयोजकता आई क्या, 6, मतलब 6 कब आएगी, जब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे, 6, मतलब कितने धातु परमाणु होंगे, 6,
है, ये उत्सय से होना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ छह, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टू डिग्री संयोजकता, ये कितना हुआ अगर छह, तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, अष्ट फलकीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उसे संयोजन संख्या हुई बराबर होगी क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता। अगर ये कितना हुआ नंबर चार, तो संरचना कौन सी होगी, वर्ग समतलीय और या फिर चतुष फलकीय। चतुष फलकीय इतना है इसमें।